नमस्कार, वेलकम बैक टू नाथ फिल्म। आज हम देखने जा रहे हैं सी बेस। ये सी बेस मैंने कस्टमाइज किए हैं और एक कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू लेफ्टी और राइटी के हिसाब से होता है। मैंने इसे इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। तो आज का जो फ्लूट हम देखने जा रहे हैं ये लेफ्टी के लिए डिजाइन किया है। कस्टमाइजेशन से क्या हेल्प होती है ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये है सी बेस। ये बाम्बू क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट है। कम से कम ये 6 साल पुराना बाम्बू है। इतना सीजन हम इसे करते हैं। बाम्बू स्ट्रेट और ये गोल भी है और इसका टोनल क्वालिटी जो काफ़ी बढ़िया होता है। जितना हम इसे सीजन में यूज़ करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब जैसे ही ये अभी ठंड का मौसम आ जाता है तो उस केस में हमें फ्लूट का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब वेरिएशन मिलेगा टेम्परेचर में तो उस केस में फ्लूट क्रैक होने की संभावना होती है। स्पेशली अगर बाम्बू थोड़ा कच्चा जैसे हम बोलेंगे या 1-2 साल का होता है तो उसमें ये क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंदर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, और बाहर का यानी कि जब ग्लो करेंगे तो और बॉडी टेम्परेचर 37 इस हिसाब से अंदर बन जाता है, और बाहर का अगर कम हो जाता है 10-15 तो उस केस में प्रेशर डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें प्रेशर डेवलप हो जाता है और ये क्रैक हो जाता है फ्लूट। तो ये ना हो इसलिए बाम्बू थिकनेस और बाम्बू ज़्यादा से ज़्यादा सीजन हो ये इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये फ्लूट जैसे मैं शुरू में बात किया हूँ कि इसमें ये लेफ्टी है, तो लेफ्टी आप देख पा रहे हैं कि ये जो शुरू वाला जो होल है माउथ होल, ये लेफ्ट के साइड में इस प्रकार से अंदर लिया जाता है। मतलब अगर मैं इस प्रकार से लेफ्टी प्ले करूँ तो ये हल्का सा अंदर लिया है, मतलब ये इस होल के सेंटर से अगर देखा जाए तो इसे इसका टेंजेंट आ जाएगा, मतलब ये इधर इस साइड में आ जाता है। इससे क्या होता है जब हम प्ले करेंगे तो गर्दन में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, हम आराम से रिलैक्स होकर इसे प्ले कर पाते हैं। दूसरा कस्टमाइजेशन ये है कि ये तीनों होल आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लास्ट थर्ड होल को हल्का सा टिल कर दिया है ताकि ये ग्रिपिंग में और भी आसान हो जाता है, और स्पेशली यहाँ पे कोमल रेशो वगैरह है तो ये ग्रिपिंग अगर प्रॉपर है तो यहाँ पे हम कोमल रेशो आराम से निकाल उसी प्रकार से लास्ट के तीनों होल आप देख पा रहे हैं, तो लास्ट 6 होल जो है ये मैंने थोड़ा इधर इस साइड टिल कर दिया है ताकि मुझे ग्रिपिंग में और भी आसानी आए। और जैसे कि आप पता है कि नाथविन फ्लूट का हर एक फ्लूट प्लेइंग में इजी होता है और उसके साथ परफेक्ट ट्यूनिंग भी होता है। जैसे ये स्पेसिंग मेरा हर एक फ्लूट में मैं अकॉर्डिंग टू लास्ट और ये ग्रिपिंग के हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, यानी कि मेरी हर एक फ्लूट यूनिक होती है। हम एक फ्लूट से दूसरे फ्लूट को कभी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फ्लूट के अंदर के डायमीटर और उसके लेंथ इस हिसाब से उस फ्लूट को डिज़ाइन करता हूँ। और मैंने बहुत सारे बाकी जो अच्छे प्लेयर हैं इंटरनेशनल जो काम करते हैं उनके साथ फ्लूट मेकिंग किया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि हर एक बाम्बू हर एक फ्लूट के लिए उसके नेचर के हिसाब से अगर उसे बनाएं तो अल्टीमेट बन जाता है। उसका टोनल क्वालिटी और उसका ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो आइए हम इसका आवाज़ सुनते हैं। ये फ्लूट लेफ्टी है, मैं राइटी प्लेयर हूँ, फिर भी मैं राइटी होके भी मैं लेफ्टी फ्लूट प्ले कर पाता हूँ, इतना इसका फिंगरिंग इजी है आप देख पा रहे हैं।
थोड़ा सा अंदर हम लेंगे तो यहाँ पे हमें तीव्र मध्यम मिल जाता है मंजो सत्तर का। ये दो होल ट्यूनिंग आप देख पा रहे हैं, ये ट्यूनिंग के पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया है ताकि इसका पंचम और भी बढ़िया सा बन जाए, यानी कि उसका ट्यूनिंग परफेक्ट आ जाए। इस प्रकार से तो ये था सी बेस लेफ्ट हैंड थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ परफेक्ट ट्यूनिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।